तो अन्ना आज आप क्या बनाने वाले हो? अभी चिकन करी बनवा रहा हूँ, देसी स्टाइल हमारा जो छत्तीसगढ़ में ना सब कुट काट के जो भी होगा घरेलू मसाले से चिकन करी आज बना रहा हूँ। जी अन्ना जी, ये हमारे चिकन है ना जी। तो चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया गया? वॉश कर लिया गया अन्ना जी। तो इसको अलग से बर्तन में निकाल दिया जाएगा? यहाँ जो भी मिलेगा ना जी पूरा फ्रेश मिलेगा हमारे यहाँ, जितना लगता है जरूरत उतना ही बनाते हैं, वो इस टाइप का नहीं कि बचाने वाला सिस्टम नहीं रखते हैं ना जी। जितना जरूरत है हमको उसके हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से बना बना के लोगों को भरपेट खिलाते हैं और ताज़ा ताज़ा खिलाते हैं। ये दही में क्या है ना जी, 10-15 मिनट रखना पड़ता है ना जी दही का। तो हमारे यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आगे दही, कस्तूरी मेथी, और ये आ गई कसूरी मेथी, आपका मटन मसाला, ये हो गया अदरक लहसुन का पेस्ट, और आपका आ गया है खड़ा गरम मसाला हाथों से पीसा गया हमारे यहाँ, ये आपका धनिया पाउडर, ठीक है, कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ये हमारा तीखा है रेड चिल्ली का पाउडर है, हम थोड़ा तीखा बनाते हैं इसको चिकन के लिए, ये चिकन मसाला है, लहसुन का जो है अदरक का पे चॉपिंग वाला है कूट के डाला जाता है, ठीक है, ये लाल मिर्च है, ये तीखी मिर्ची हैं, ये देसी स्टाइल पे रहता है ना जी हमारे, देसी स्टाइल में, हाँ ये देसी स्टाइल है। तो सबसे पहले चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया जाएगा। तो अभी मसालों को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, दही वही इसको 10-15 मिनट तक छोड़ना पड़ता है ना जी। अच्छा, जब सॉफ्टनेस आता है मेरे चिकन का। अभी चिकन करी बनवा रहा है ना जी आपके लिए। पूरा अनलिमिटेड जितना खा सकते हो पूरा अनलिमिटेड है। तो कितने रुपए में रहेगा अनलिमिटेड? 120 रुपए थाली रहेगा ना जी पैकेज एक व्यक्ति के पीछे, आप जितना खा सकते हो अनलिमिटेड, चिकन ले सकते हो, चावल ले सकते हो, आपको जो लगता है यहाँ ले सकते हो, 120 रुपए थाली, जितने मर्जी चिकन के पीस ले सकते हो, जितने चिकन के पीस ले सकते हैं ना जी, भरपेट खाइए आप, ठीक है, लीजिए ना जी। सबसे पहले ऑयल डाल दिया गया, ऑयल डाल दिया गया ना, लौंग, इलायची, जीरा, तेज पत्ती, और आपको मीठी लकड़ी, 3-4 प्रकार के, 4-5 प्रकार के मसाले हैं। तो अभी खड़े मसाले इसमें डाले जा रहे हैं, ऑनियन है ना जी, प्याज। तो ये कितने लोग के लिए बन रहा है? ये कम से कम बनेगा ना जी वही है 30 लोग के लिए का, ये कस्तूरी मेथी है। कस्तूरी मेथी, तो कैसे सोचा कि अनलिमिटेड लेनी है, वो भी नॉनवेज थाली? लोग सफ़र पे लिख लें, कहीं ड्यूटी पीरियड पे लिख लें, और उनको भरपेट खाना ना मिले, फिर कोई मतलब नहीं है बिजनेस करना। अगर बिजनेस करना हो तो लोगों को संतुष्टि मिले, और हर कोई जो बिजनेस वाले हैं लोगों के बारे में सोचे कि उनको अच्छा चीज़ दिया जाए। ये चिकन है ना, अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें मैरिनेटेड चिकन डाला जाएगा जो कि हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तीखे में क्या रहता है ना जी, टेस्ट जो है चिकन का, जब तक तीखा नहीं रहे तब तक चिकन का स्मेल नहीं जाएगा, और तीखा एकदम जरूरी है चिकन में। बाकी चीज़ों में मैं क्वालिटी देखता हूँ, मगर चिकन में थोड़ा हमारे यहाँ तीखा रहता है, बच्चे भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि चिकन लिमिट के हिसाब से तीखा डाला जाता है, पर तीखा थोड़ा सा रहेगा। ये हमारी दादी माँ हमें सिखाई है सर, मिर्ची कूटना जो है सिलगोटनी पत्थर में, और मिर्ची कूट के डाला जाता है, इसका टेस्ट कुछ अलग ही रहता है। अदरक लहसुन खड़ा मसाला जो रहता है घर में, मैं भूंज के अपने घर में पूरी मसाला बनाता हूँ पेस्ट वेस्ट। तो अभी इसको पकने में कितना टाइम लगेगा? इसको कम से कम ना जी 15-20 मिनट लग जाएगा। 15-20 मिनट लग जाएगा। ये सॉल्ट है ना जी, नमक, टाटा नमक है, टमाटर रहना थोड़ा सा जाएगा, ज़्यादा नहीं, हल्का जाएगा एक साइड में, ये थोड़ा बटर रहना जी, ये आ गया इसमें बटर, ये मटर है। पहली बार देख रहा हूँ कि चिकन करी में मटर डाले जा रहे हैं, तो ये क्यों डाले जाते हैं? हम लोग क्या जो है स्वाद के अनुसार डालते हैं ना जी, ये जो लोगों को पसंद है, और अब बिना मटर के भी देखते हैं हम लोग, वैसे चिकन मटर का ये था, तो फिर आज कस्टमर का ख्वाहिश था कि मटर वाला खिलाइए भैया करके। चिकन को 10 मिनट ढक के पकाया जाएगा। तो चिकन देख सकते हो हमारा अच्छे से यहाँ पे पक चुका है, और अब इसमें क्या डाला जाएगा? ये ग्रेवी है ना जी, टमाटर, मगज, काजू, ये सब मिक्स करके ग्रेवी बनाते हैं, टेस्ट बढ़िया आता है, बहुत ज़ोरदार है ना जी, आप खाएंगे। अब इसको 10-15 मिनट और पका लेते हैं देसी स्टाइल पे ना जी, हमारे जो चिकन कड़ी है अब रेडी हो गई ना जी पूरा। तो अभी जल्दी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो हमारी अनलिमिटेड थाली लगाई जा रही नॉनवेज वाली। तो सबसे पहले देखते हैं, पराठा आ गया है, चपाती आ गई है, चावल आ गए हैं, ये आपका दाल, तो ये आ गई दाल, दालचा है, ठीक है, ये चिकन करी है ना जी आपका, यहाँ की अनलिमिटेड थाली है ना जी जो है 120 रुपये थाली है ना जी नॉनवेज का। इसमें एग करी है, चिकन करी है, रोटी पराठा, चावल,
और ये एक व्यक्ति के पीछे 120। तो फाइनली रायपुर की सबसे सस्ती अनलिमिटेड नॉनवेज थाली यहाँ पे लग चुकी है, जो कि 120 रुपए में आपको अनलिमिटेड चिकन खाने को मिल जाएगा। चिकन के अलावा इस थाली में आप देख सकते हो आपको अंडा करी मिल जाएगी, आपको पापड़ मिल जाएंगे, आपको दाल मिल जाएगी, आपको चावल मिल जाएंगे, आपको रोटी मिल जाएगी, आपको पराठा मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में आपको 120 रुपए में अनलिमिटेड चिकन थाली को देगा। तो आप चिकन जितना मर्जी रिफिल करवाना चाहो करवा सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं कि ऑफर है एक महीने के लिए, ये अनलिमिटेड चल रहा है, एक साल से चल रहा है। तो ये है सादी चपाती, एकदम जैसे घर पे बनती है वैसी ही उन्होंने चपाती बनाई है। इसको मैं ट्राई करूंगा इनकी चिकन करी के साथ। तो ये है इनकी चिकन करी, एकदम देसी स्टाइल में लगाई गई है। तो वाकई में इनकी चिकन करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। टेस्ट के साथ साथ मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये थाली अनलिमिटेड है, आप जितना मर्जी पेट भर के यहाँ पे खा सकते हो। कोई भी ऐसी मैंने दुकान नहीं देखी जहाँ पे आपको 120 रुपए में चिकन खाने को मिल जाएगा। चिकन के साथ साथ आपको रोटी मिल जाएगी, पराठा मिल जाएगा, चावल मिल जाएंगे। कैटरिंग का भी काम कर लेता हूँ ना जी बाहर जैसा जाके, जिन्होंने ऑर्डर दिया हमें, तो हमारे पूरे स्टाफ है। कॉन्टैक्ट करना तो कैसे करेगा? नंबर है ना जी मेरा 9098814 71 अन्ना जी, मेरे नंबर। दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए, रायपुर में कहाँ पे है? दुकान जो है ना जी वनक्कम अन्ना के नाम पे है, और जो रोड है ना जी सीएम हाउस का रोड है ये, और सर्किट हाउस इंडियन कॉफी हाउस का वहीं पर है ना जी, रायपुर छत्तीसगढ़ है ना जी। तो अगर आप भी रायपुर रहते हो, विजिट कर रहे हो और कम बजट में बढ़िया खाना चाहते हो, तो वनक्कम अन्ना में आके इसको टेस्ट कर सकते हो। आपको रायपुर के सिविल लाइन्स में आपको शॉप मिल जाएगी। तो अब मैं इस अनलिमिटेड थाली को यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।